गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। गाइड्स देखिए, जिस खेत में हम लोगों ने कंबाइन चलाई हुई थी सोयाबीन मड़ाई के लिए, तो उसमें आज हम झाड़ी काटने के लिए आ गए हैं गेहूं बुआई के लिए। और ये पीछे से इतनी झाड़ियां हमने काट ली हैं, देखिए खेत का एरिया। कल से हम इसमें लगे हैं झाड़ी काटने में, तो बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हो रही हैं, क्योंकि गेहूँ बुआई के लिए खेत साफ़ करने पड़ते हैं पहले। तो उसमें मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर ये बेर की झाड़ियाँ हो रही हैं, हम ये बेर को काटेंगे। तो लेके इसमें देखिए, इसमें यहाँ ये बेर हो रहे हैं, आप ऊपर से इसको देख सकेंगे, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। लेकिन इसमें ये होते हैं कि कांटे होते हैं, इसके कांटे बड़े चुभते हैं हाथों में, तो बचाते हुए मैं आपको बेर दिखाना चाहूँगी। अगर आपको ये बेर दिखेंगे तो देखिए, एक कांटा मेरे हाथ में आ चुका है जिसमें फ़ोन पकड़ा हुआ है। तो ये देखिए, इसमें बेर लगे हैं पक्के पक्के से, इनको हम तोड़ेंगे और थोड़ा सा मुँह में डाल के इनका रस स्वादन करेंगे। बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन ये हाथ में चुभ रहे हैं इनके कांटे, आपको ज़्यादा नहीं दिखा सकते। देखिए इसमें बेर इतना फला हुआ है, लेकिन ये बेर कांटे बहुत हो जाते हैं। तो ये देखिए, इन्होंने बेर अपने हाथ में तोड़े हुए हैं, ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा मुझे ये नहीं पता, लेकिन ये तोड़ रहे हैं। देखिए ये बेरों को तोड़े, बड़े हाथों को बचा बचा के कांटे से। और यहाँ पर से कुछ ही दूर में हमारे यहाँ पर से प्राथमिक विद्यालय है, प्राथमिक पाठशाला है। तो देखिए यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं, ये दिन में इनको जिस समय इंटरवल होता है, तो ये यहाँ पर आके खूब बेर तोड़ने के लिए उछल कूद मचाते हैं, क्योंकि यहाँ पर से थोड़ी सी दूर में एक बेर का पेड़ हमारे बगल में किसी के खेत में है। यहाँ पर ये देखिएगा, आपको दिखाती हूँ मैं, ये है सामने से। तो यहाँ पर बच्चे खूब कूदा कादी करके बेर को तोड़ते हैं, क्योंकि बचपन बचपन ही ऐसा होता है ना तपने। तो ये बेर चाहे हम लोगों को अच्छे लगे ना लगे, लेकिन हमने बचपन में हमने भी बहुत तोड़ के, जहाँ बेर होते थे हम वहाँ पहुँचते थे खेतों में खाने के लिए। तो ये बचपन की एक पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं इनको देख के। और ये देखिए, जैसे ही हमने झाड़ी काटते हुए हमने बेर देखे, तो इनसे रुका नहीं गया और ये बेर तोड़ के खाने लग गए हैं। बेर का आनंद लेने के लिए इनसे रुका नहीं गया, उन्होंने कहा हम तोड़ लेते हैं, कुछ बेर खा लेंगे, फिर काटा भी जाएगा तो पेड़ वो हो जाएगा। तो ये झाड़ियाँ हैं, इसकी ज़रूरत हमारे खेत में है नहीं, तो हमको इसको काटना ही पड़ेगा, और इसको हमको गेहूं बोने के लिए तैयार करना पड़ेगा। तो आप भी खाइए बेर, और कैसे हो रहे थे कमेंट करके बताइएगा कि कैसे हुए हैं, कैसे लगे आपको ये बेर बताइएगा आप हमें। गाइज ये देखिए, जो मैंने कहा था ना आपसे, प्राइमरी पाठशाला यहाँ पर से नज़दीक है, तो बच्चे आके बेर वगैरह तोड़ते हैं, उसका एक सबूत भी हमें मिल गया है जीता जागता। ये देखिए झाड़ी में यहाँ पर पेंसिल गिरी हुई है कहाँ पर, अब ये मेरे कैमरे में आ रही है नहीं आ रही है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं क्योंकि धूप में दिख नहीं रहा है तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखिए पेंसिल, ये देखिए यहाँ पर पेंसिल है शायद, ये हाँ पेंसिल ही है नटराज की, किसी बच्चे की पेंसिल छूट चुकी है। ये देखिए झाड़ी में यहाँ पड़ी हुई थी, किसी की नई पेंसिल है बच्चे की, और ये अपनी पेंसिल यहाँ उसकी गिर चुकी है। तो ये देखिए बच्चे यहाँ पर आते हैं और बेर वगैरह खाने के लिए, लेकिन ये पेड़ हमें काटना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे, क्योंकि यहाँ पर से इस क्षेत्र में हमारे यहाँ पर बाघ वाघ की डर भी लगती है, बाघ वगैरह भी आते हैं, तो कभी बेर पेंसिल उठाने ना, ये बेरों के चक्कर में कभी किसी को कोई नुकसान ना हो। ये पेंसिल गिरी हुई है खेत में, मतलब बेर की झाड़ी में गिरी हुई थी, तो हमें ये बेर का पेड़ इसलिए भी काटना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे आते हैं, कभी बाघ वगैरह का डर लगता है जंगली जानवरों का, तो बच्चों को भी कोई नुकसान ना हो इस चीज़ से करके, अगर पेड़ नहीं होगा तो वो लालच से यहाँ पर आएंगे नहीं।